हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पी वी आर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी लोग के घर में वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स यूज होते हैं, ठीक है। हम उन्हें खाते हैं, उन्हें देखते हैं, कलरफुल देखते हैं और अच्छा देखते हैं, मीठा देखते हैं, खट्टा देखते हैं, लेकिन हमें ये बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि किस वजह से ये क्यों होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गाजर का रंग ऑरेंज कलर का होता है या लाल कलर का होता है, ठीक है। प्याज का जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा तीखापन या कड़वा होता है, मिर्च तीखी होती है, करेला कड़वा होता है, तो उसका रीज़न क्या है, किस लिए ऐसा होता है। एक्चुअली देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही मतलब हम लोग के लिए बहुत ही कुछ किए हैं, ठीक है। उनके बारे में, सब चीज़ के बारे में उन्होंने सर्च किया और हमें बताया लेकिन ये बातें कुछ ही लोगों तक पहुंच पाई, पूरे लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो मैं इस वीडियो को बनाकर ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी को इन सब के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए चलिए देख लेते हैं हमारा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टमाटर में लाल रंग होता है, ठीक है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, क्यों होता है, तो वो आंसर फ्रेंड्स लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ओके। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण का होता है, तो आप बता सकते हो लाइकोपिन, ओके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, जैसे कि टमाटर जब कच्चा रहता है, तो जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो बनाया था लवक पे, ठीक है। लवक में क्या होता है कि जब वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि लवक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, आवरणी लवक, लवड़ी लवक, तो मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि वो प्रोसेस चेंज हो जाता है, इसी वजह से जब टमाटर कच्चा रहता है तो उसमें दूसरे लवक पाए जाते हैं, और जब वो मतलब कि पक जाता है तो उसमें दूसरे लवक पाए जाते हैं। तो इसके कारण से यह होता है कि उसका उसी तरह से मटेरियल चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं कि हल्दी का जो ये पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। क्योंकि अगर आपके हल्दी में कुरकुमिन नामक पदार्थ ना पाया जाए तो हल्दी का रंग पीला कभी भी नहीं होगा। तो पीला रंग हल्दी में कुरकुमिन के कारण होता है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिर्च में चरपराहट मतलब तीखा, ठीक है, मिर्च में तीखा क्यों लगता है, कैप्सिलिन के कारण। किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण मिर्च हमेशा तीखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं प्याज का ये रेड कलर है, तो प्याज का रेड कलर एंथोसायनिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण प्याज का रंग रेड कलर का होता है, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, मूली, मूली में तीखापन किसके कारण होता है। आपको पता है कि मूली कभी कभी तीखी भी आती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें आइसोसाइनेट पाए जाते हैं, और आइसोसाइनेट जब कुछ मूलियाँ होती हैं जिसमें तीखा स्वाद नहीं होता है, एकदम मीठे टाइप का होता है, मतलब कि बिल्कुल भी उसमें तीखा नहीं होता, तो उसमें आइसोसाइनेट की मात्रा कम होती है, और जब मूली तीखी आने लगती है तो उसमें आइसोसाइनेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से मूली का स्वाद तीखा हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण का होता है। तो गाजर का नारंगी रंग फ्रेंड्स कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, पीपर में कड़ुहाट क्यों आती है। पीपर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पीपर में कड़ुहाट जो होती है वो ओलिमोरेसिन के कारण होती है, ओलिमोरेसिन के कारण पीपर में कड़ुहाट आती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपर का गंध आपने देखा होगा, जैसे पीपर है तो उसका जो स्मेल होता है वो किसके कारण होता है, तो ओलियोरेसिन के कारण होता है, ठीक है। उस ओलियोरेसिन के कारण पीपर में जो मतलब कि महक या फिर जो गंध होती है वो ओलियोरेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेल में कड़ुहाट क्यों आती है, ठीक है, बेल जो होता है उसमें कड़ुहाट क्यों आती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मार्मोलोथसिन के कारण, ठीक है, मार्मोलोथसिन के कारण बेल में कड़ुहाटपन होती है, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आंवला, देखिए फ्रेंड्स आंवला तो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, आप सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं आंवले पे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आंवला विटामिन सी प्राप्त करता है, और साथ में ये हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कह सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, क्योंकि
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेंड्स आंवले खाने से हमारे विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि विटामिन सी बहुत सारी चीजों से प्राप्त होता है, जैसे कि संतरे, नींबू, टमाटर, है ना। तो लेकिन जितने भी खट्टे स्वाद चीजें होते हैं सभी में विटामिन सी होता है, लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मात्रा विटामिन सी की आंवले में ही पाया जाता है। तो आंवला खाने से विटामिन सी तो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ ये हमारे माइंड की जो संतुलन है उसको भी थोड़ा तेज करता है। मतलब कि आप अगर मॉर्निंग में एक आंवला डेली खाएंगे तो आपका जो संतुलन है वो कभी भी, मतलब कि माइंड का जो संतुलन है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, ठीक है। अब कमजोर होने का मतलब कि अब सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी चीज का यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कमजोर होता जाएगा। जैसे कि अगर आप सोचे कि हम हाथ का यूज ना करें, हमें हर एक चीज मिल जाए, हमको कोई खिला दे खाना, मेरा सारा काम कोई कर दे, हम बिल्कुल भी अपने हाथों का यूज ना करें, तो तब तो आपका हाथ काम नहीं करेगा, बनी बात है। तो उसी तरीके से कि आपका दिमाग तभी काम तेज करेगा जब आप अपना दिमाग को ज्यादा यूज करेंगे और साथ में पोषक तत्व की चीजें, विटामिन की चीजें खाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आंवले का कशारापन, कशारापन का मतलब कि जैसे कि कैथा आप खाते हो या आंवला खाते हो, थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब टाइप का आपको लगता है ना, जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रेंड्स कैसा लगता है। कशारापन का मतलब कि जैसे कुछ खा लो तो मुंह में मतलब कि अजीब अजीब सा लगने लगता है, ठीक है। तो वो टैनिन के कारण होता है, ठीक है। टैनिन नामक पदार्थ आंवले में पाया जाता है और सबसे बेनिफिट तो ये कि आंवले का आपको रस बहुत ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। मैं भी लेती हूँ फ्रेंड्स, आप भी लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें सबसे बड़ी बात तो ये कि पपीता, पपीता से भी आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरत मात्रा में खाना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स, कैरिका जिंथिन, ठीक है, कैरिका जेंथीन के कारण पपीते का पीला रंग होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से सलजम में चर्पराहट क्यों होती है, ठीक है। सलजम में चर्पराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण सलजम में चर्पराहट होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सलजम, जिसकी आपको पता ही है कि जो सलजम होता है उसमें रेड होता है, वो रेड कलर का होता है, उसमें ब्लड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसको खाने से सबसे पहले आपको ब्लड ही मिलता है, ठीक है। तो वो आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसके साथ साथ भी आपको बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स भी मिलते हैं, तो इस वजह से हमें सलजम को भी सलाद के रूप में खाना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं आलू। फ्रेंड्स आलू तो सबका फेवरेट होता है, ठीक है, ज्यादातर लोगों का आलू सब्जी फेवरेट होता है। तो आलू में हरा रंग किसके कारण होता है, सोनेलिन के कारण, ठीक है, सोलेनिन के कारण, सॉरी सोलेनिन के कारण आलू में हरा रंग होता है। जैसा कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आलू हरा भी आता है, ठीक है, कुछ कुछ आलू हरे हो जाते हैं, तो वो सोलेनिन के कारण होता है। जब सोलेनिन के कारण आलू में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आलू का रंग हरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, गाजर में लाल रंग क्यों होते हैं, ठीक है। गाजर लाल कलर का भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये ऑरेंज रंग लगा हुआ है। तो गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण गाजर में लाल रंग होता है, ओके। खीरे में कड़ुहाट क्यों आती है, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि खीरा कभी कभी तीखा भी निकल जाता है, ठीक है। तो खीरे में जो कड़ुहाट आती है वो किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़ुहाट पण आती है, और खीरे के भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। खीरा भी आपको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, खीरे में वो खीरा ज्यादा खाना चाहिए जिसमें पानी वाली मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेले में कड़वाहट क्यों होती है, ठीक है। करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है, मार्मोडिकोसाइट के कारण, ठीक है। जितने भी कड़वाहट वाली चीजें हैं फ्रेंड्स उसमें सब में मार्मोडिकोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और करेले का तो आपको मालूम ही होगा बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, ये करेले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जितनी कड़वाहट चीजें, जितनी खराब चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए फायदेमंद होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं करेला, करेला लोग बहुत ही मतलब कि खाने में भी बहुत ही प्रॉब्लम उनको होती है, उसका रस पीने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर उनसे बोल दीजिए कि करेले का जूस पिया करो तो नहीं, अगर यही चीज कहा कर नहीं गन्ने का या आम का जूस पिया करो तो वो 2 से 3 गिलास पी लेंगे, लेकिन करेले का जूस आधी गिलास भी पीना बहुत मुश्किल होता है ना। तो फ्रेंड्स करेले का जो जूस होता है काफी फायदेमंद होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए तो सबसे फायदेमंद होता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहता है, हमें कई रोगों से बचाता है, और उसके साथ साथ ये कि हमारे माइंड पे काफी इफेक्ट जाता है इससे भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बादाम,
बादाम तो खाए खाते ही होगे, सब लोग खाते होगे, क्यों? क्योंकि बादाम तो बहुत लोगों को पसंद होगा, लेकिन बहुत महंगा मिलता है ना। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कि काफ़ी महंगी होती है, हम उन चीज़ों को ले नहीं पाते या खा नहीं पाते। जैसे कि किसी ने किसी को बता दिया कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, तो लोग बादाम खाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ले नहीं पाते बहुत लोग, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बादाम खाने से ज़्यादा आंवले खाने में प्रॉफिट है, ठीक है। तो आंवला ज्यादा महंगा नहीं मिलता, वैसे भी डेली का एक आंवला, ठीक है, मतलब कि 1-2 रुपए का पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप आधा किलो लेकर लेकर रख ले रहे हो तो आपके लिए 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए तो आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंवला ज्यादा यूज करिए, जिसमें से विटामिन सी भी बढ़ता है, उसके दिमाग में भी प्रेशर का मतलब दिमाग में का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बादाम भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जो अगर खा सकता है वो बादाम भी खाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बादाम का जो कड़वाहटपन हल्का होता है वो ईमाई लेडिन के कारण होता है, ईमाई लेडिन के कारण बादाम में कड़वाहटपन होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्याज में लाल रंग क्यों होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बता दिया हमने शायद, फिर से दोबारा हो गया है। देखिए नेक्स्ट है, तिलहन का तेल पीला क्यों होता है, तिलहन का तेल पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीनाइड, ठीक है, क्या पाया जाता है, कैरोटीनाइड पाया जाता है, इस वजह से तिलहन का तेल पीला होता है। लास्ट है फ्रेंड्स, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है, तो कैप्सेनाथिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे जो होते हैं एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और जानना भी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये मानना है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं या किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे कि हम किसी फ्रेंड से दोस्ती करते हैं, तो पूरी कोशिश हमारी रहती है कि हम उसके बारे में पूरी चीज़ जान लें, ठीक है, तब हम उससे दोस्ती करें या फिर तब हम उसके साथ आगे का प्रोसेस बढ़ाएं, है ना। तो उसी प्रकार से स्टडी भी होता है, अगर हम किसी चीज़ की भी स्टडी करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उसके बारे में पूरा जान लें, तब उसके बारे में, तब उसके अंदर की चीज़ें पढ़ें, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप टमाटर खाते हो, यूज करते हो, सारे फ्रूट यूज करते हो, तो कौन से वेजिटेबल्स हमें कब खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट कब खाना चाहिए, किसी में क्या पाया जाता है, किससे कौन सी प्रोटीन या कौन सी विटामिन पाई जाती है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत नया नया क्वेश्चन लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।